सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विक्की यादव और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं रिव्यू रियलमी बड्स क्यू ईयरफोन्स का, जो कि गाइस ये रहा मेरे पास में, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन ईयरफोन्स को यूज करते हुए आज मुझे 3 मंथ से ज्यादा हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे हैं दोस्तों ये ईयरफोन्स एक्चुअली में। तो वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने मेरी Realme Buds Q अनबॉक्सिंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों सबसे पहले जो है उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक जो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने आज की वीडियो की तरफ। तो जिन्होंने दोस्तों मेरी Realme Buds की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी है उन लोगों को तो पता ही होगा कि ये ईयरबड्स जो है मैंने Flipkart से मंगाए थे। प्राइसिंग की बात करें दोस्तों तो ये ईयरबड्स जो है मुझे 1600 रुपए के पड़ गए थे। तो गाइस, अब बात करते हैं कि इन ईयरबड्स के साथ आपको बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको पहले मिल जाती है एक USB चार्जिंग केबल, फिर आपको मिल जाते हैं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, और आपको एक यूजर मैनुअल गाइड मिल जाती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज दोस्तों आपको जो है इन ईयरबड्स के साथ बॉक्स में मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों, डिजाइन वाइज जो है ये ईयरबड्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं दोस्तों। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसका ये एक्स शेप का डिजाइन, जो कि दोस्तों काफी छोटा है और जो है इसको आप जो है हाथ में बिल्कुल बड़े आराम से होल्ड कर सकते हैं और जो है इसको अपने पॉकेट में इजिली कैरी कर सकते हैं। वेट की बात करें दोस्तों तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है इसका, जिससे जो है आपको बहुत मजा आएगा इसको यूज करने में। अब दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसकी एवरेज बिल्ड क्वालिटी है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है। तो एवरेज बिल्ड क्वालिटी दोस्तों आपको यहाँ पे इस Realme Buds Q की मिल जाती है। गाइज, ये जो है इसका केस जो है मेरे हाथ से 2-3 बारी जो है फर्श पर गिर चुका है, बट दोस्तों इसमें जो है सिंगल क्रैक तक नहीं आया अभी तक। तो इससे जो है आप इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी परफेक्ट है मेरे हिसाब से, पर्सनली मेरे हिसाब से तो ओके है। बट एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये Realme Buds Q लेना है तो आप जो है ब्लैक या येलो कलर को चूज करो, व्हाइट कलर दोस्तों मत लेना, क्योंकि ये जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डल दिखने लगता है। ठीक है, तो आप जो है लेना चाहते हो तो आप ब्लैक कलर ले लो, येलो कलर ले लो, वो जो है उसका मेंटेनेंस जो है लो है, उसको आप ले लीजिए। बात करें दोस्तों अगर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे जो है दोस्तों मुझे इन ईयरबड्स का सिंगल चार्ज में जो बैटरी बैकअप मिला है वो मिला है 4.5 घंटे का। ठीक है, 4.5 घंटे का जो है दोस्तों इन ईयरबड्स का बैटरी बैकअप मुझे मिला है। केस की बात करें अब तो दोस्तों जो केस है वो जो है आपके ईयरबड्स को 5-6 बारी आराम से 0 to 100% चार्ज कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के चार्जिंग टाइम की। तो जो ईयरबड्स का जो ईयरबड्स हैं दोस्तों, जो आपके ईयरफोन्स हैं, ये जो है 0 to 100% 35 minutes to 40 minutes में जो है चार्ज हो जाते हैं। और वहीं बात करें अगर केस की दोस्तों, तो ये केस जो है आपका 2 घंटे ले लेता है फुल चार्ज होने में। ठीक है, मैं तो दोस्तों नॉर्मल यूजर हूँ, मैं तो खाली कभी कभी जो है मूवीज देख लेता हूँ, म्यूजिक वगैरह सुन लेता हूँ, तो मुझे तो दोस्तों 1 हफ्ते तक जो है अपने केस को चार्ज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऑडियो क्वालिटी की। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी दोस्तों आपको मिल जाती है, जबरदस्त बेस मिल जाता है। इनफैक्ट दोस्तों मैंने इस ईयरबड्स को खरीदा इसीलिए क्योंकि इसमें जो है मुझे बहुत ज्यादा बेस देखने को मिला है और मुझे जो है बेस ईयरफोन्स जो है बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए जो है मैंने इस ईयरफोन को परचेज किया। तो अगर आप लोगों को भी जो है बेस पसंद है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जो है Realme Buds Q लें, क्योंकि दोस्तों 1600 रुपए में आपको इतनी अच्छी बेस जो है और कोई ट्रूली वायरलेस ईयरफोन शायद ही दे। ठीक है, ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहूंगा कि साउंड क्वालिटी जो है इसकी बहुत अच्छी है। बात करें दोस्तों अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो ये ईयरबड्स जो दोस्तों जो है 119 मिलीसेकंड की लेटेंसी, लो लेटेंसी आपको देता है, जिससे जो है गेमिंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाती है आपकी, बहुत ज्यादा कम लैग देखने को मिलता है, और ऑडियो डिले दोस्तों आपको जो है बहुत ज्यादा कम मिलता है, जिससे जो है आप बहुत अच्छे से गेमिंग कर पाएंगे। ठीक है, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पबजी वगैरह खेलता रहता हूं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी इनकी जो है लेटेंसी, बहुत ज्यादा कम है, बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिला है मुझे, तो ओवरऑल गुड गेमिंग एक्सपीरियंस भी जो है मेरा बेहतरीन है।
बात करें दोस्तों अगर कॉलिंग की, तो कॉलिंग में दोस्तों मुझे अभी तक जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। अच्छा खासा नॉइज कैंसिलेशन भी दोस्तों जो है रियलमी बड्स क्यू आपको जो है दे देता है, ठीक है। तो कॉलिंग इज गुड। और बात करें दोस्तों कंट्रोल्स की, तो जो रियलमी बड्स क्यू है वो फुल टच कंट्रोल के साथ आता है, जो कि दोस्तों काफी अच्छे तरीके से काम करता है और इजी टू यूज है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू इसी रियलमी बड्स क्यू का। बात करें अगर मेरे ओपिनियन की कि आप लोगों को ये रियलमी बड्स क्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को एक ट्रूली वायरलेस ईयरफोन लेना है 2000 रुपए तक की रेंज में, तो दोस्तों आप लोगों के लिए रियलमी बड्स क्यू बहुत ही अच्छी डील साबित होगी। आप जो है इसको जरूर परचेज करिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।